नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ हूं और इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग क्राइम न्यूज। बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे रीवा के उस शहर की तरफ लेकर चलेंगे आपको, जहां पर एक पुलिस वाला ही बहुत बड़ा गुंडा है, और गुंडा नहीं बल्कि बड़े बड़े डॉन से संपर्क है उसका। इतना बड़ा डॉन आखिर में गुंडा जो है ये पुलिस विभाग में भर्ती कैसे हो गया, ये बातें समझ में नहीं आ रही। खुद तो गुंडा है ही, लेकिन उसका बेटा उससे भी बड़ा डॉन है। घर से दिन हो या रात उठा लिया जाता है किसी को भी। इतना ही नहीं, ये जो गुंडे हैं और उनके जो बेटे हैं, यानी ये जो पुलिस वाला गुंडा है उसका जो बेटा है वो इससे बड़ा डॉन है, और वो किसी भी घर में घुस करके किसी को भी मार सकता है। इस बात के लिए खुद हम नहीं कहते बल्कि ये पुलिस वाला ही कहता है। पहले तो हम आपको ये वीडियो दिखाएंगे, जब आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर में ये जो वीडियो है ये क्या वाकई में पुलिस है या कोई गुंडा है। हालांकि आपको बता दें कि पहले एक टाइम था जब पुलिस की भर्ती हुआ करती थी और कुछ लोग ऐसे ही भर्ती हो जाते थे, लेकिन जब बहुत दिनों तक कोई भी वर्दी पहन लेता है तो उसके बाद ऐसी नौबत आ जाती है कि शायद उनको ये लगता है कि हम ही भगवान हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक फिल्म जो आई थी आपको याद होगा, सलमान खान की किक फिल्म, जहां एक मिनट तक उसका जो विलन है नजाबुद्दीन सिद्दीकी जो है, सिद्दीकी लगभग एक मिनट से ज्यादा तक वो अपनी सांसों को रोकता है और कहता है देखा हमने भगवान को भी धोखा दे दिया। तो यहां पर बस वही हालत है, ये बस भगवान तक पहुंच के और वापस आ जाते हैं, ऐसी हालत है। आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। रीवा पुलिस की गुंडागर्दी उजागर, एक युवक को थाने में बुलाकर पीट डाला, वीडियो वायरल हो गई, एसपी ने किया निलंबित। क्या पुलिस के खिलाफ भी होगी एफआईआर या नहीं, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। अगर आम जनता गलती करती है तो पुलिस तुरंत उस पर मुकदमा दर्ज करती है और सलाखों के पीछे डाल देती है, मगर पुलिस के खिलाफ अगर कोई मामला पंजीबद्ध हो तो उसको मात्र सस्पेंड कर दिया जाता है या फिर ज्यादा से ज्यादा उसको लाइन अटैच कर दिया जाता है। आखिर में पुलिस है भाई, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि उसको भी सजा होगी। सजा नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई भी अगर रिपोर्ट दर्ज करता है तो यहां पर यह देखा जाएगा कि वो वर्दी वाला है। इसलिए कानून सिर्फ जो है वर्दी वाले के नहीं लिए जो है नहीं होता, बाकी सब के लिए कानून है। कानून तोड़ेंगे भी ये, कानून जोड़ेंगे भी ये, क्योंकि ये हैं पुलिस वाले। अब चलेंगे आपको खबर की तरफ, पूरी जानकारी देंगे। रीवा शहर के सामान थाने के प्रधान आरक्षक की गुंडागर्दी का एक वीडियो वायरल हुआ, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से। पीड़ित को थाने बुलाकर उसे लात घूसों से पीटा गया और मां बहन की अश्लील गालियां दी है। ऐसे अवार्ड तो शायद आपको गालियों की देने ही चाहिए, अगर कोई गाली देने वाला अवार्ड होता तो इनसे बड़ा कोई अवार्ड नहीं ले पाता। वीडियो के वायरल होते ही मामला एसपी के संज्ञान में भी आ गया। वहां पर जो मीडियाकर्मी थे, पत्रकार थे, वो सभी पहुंचे और उनसे सवाल करने लगे कि आपका ये प्रधान आरक्षक इस तरीके से कर रहा है, तो प्रधान आरक्षक को एसपी साहब ने निलंबित कर दिया। क्या अपराध है और आखिर में क्या पूरा मामला है, रुकिएगा कहीं जाइएगा नहीं, पूरा बताएंगे आपको। क्या अपराध करने वाला पुलिसकर्मी पर एफआईआर दर्ज होगी या नहीं होगी, पहले तो ये कानून जो है सब पर होता है, सभी पर लागू होता है, लेकिन उस पर क्या मामला पंजीबद्ध होगा ये बात अभी तक कोई बताने वाला नहीं है। जनता और पत्रकारों के लिए ही पुलिस बनी हुई है, बाकी और किसी के लिए पुलिस नहीं होती है। नेताओं पर हाथ तो उठा ही नहीं सकती है और खुद तो जो चाहे मनमर्जी वो कर सकती है। इतना ही नहीं, आपको हम और भी कुछ सुनाएंगे, लेकिन कहीं कहीं जाइएगा नहीं। पीड़ित प्रियांश घुसघुसवाहा है, जो कि निवासी कुठुलिया जिला रीवा, ने एसपी कार्यालय में आकर के शिकायत की है। 20 तारीख को समान थाना से फोन आया था कि 8 बजे थाने जाओ, यहां पर तुम्हारी कुछ मामले को लेकर के यहां पर दस्तखत करना है, यानी कि आपकी खात्मा रिपोर्ट को तैयार कर लिया गया है, उसमें हस्ताक्षर करना है। जब पीड़ित थाने पहुंचा तो प्रधान आरक्षक हेमंत शुक्ला ने मां बहन की अश्लील गालियों का अवार्ड देते हुए उसे पीटना शुरू कर दिया। शायद प्रधान आरक्षक को यह पता नहीं था कि करतूत जो है पीड़ित के मोबाइल में कैद हो रही है। मुद्दे की बात यह थी कि अगर कैद होता तो मोबाइल भी रख लिया गया होता, लेकिन अवार्ड जो है ये बाहर जो है वायरल हो गया। मुद्दे की बात यह थी कि अगर पता होता कि हम अवार्ड जो है ले ही लेंगे, तब ऐसी दशा ही नहीं होती शायद, क्योंकि कौन चाहता है कि हम
अवार्ड खुले में दें। ऐसा अवार्ड तो एक गेट बंद करके अंदर ही दिया जा सकता है। और मुद्दे की बात तो यह भी है कि ऐसा अवार्ड अगर बाहर देते हैं तो जानते हैं कि हम कहीं ना कहीं पिट जाएंगे, घिस जाएंगे, या तो वर्दी उतरवा ली जाएगी, हम नंगे हो जाएंगे, ऐसी स्थिति होगी। इसलिए इनकी जो औकात होती है वो बंद कमरे में ही देखी जा सकती है। बाहर तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, पता चलते ही एसपी साहब वो भी कहीं ना कहीं आपको बता दे कि वर्दी पहनते हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि वो अधिकारी हैं, उनके ऊपर जो है ना प्रेशर भी होता है और उनके ऊपर भी होता है कि कहीं भाई कोई ना कोई अगर गलत कर रहा है तो उसकी सजा हम दे सके। कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों की गुंडागर्दी अब आम नागरिकों पर इस कदर जो है हावी हो गई है कि लोग थाने में भी जाने से डरने लगे हैं। निर्दोषों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और यहां पर भी उन्होंने करने का बहुत प्रयास किया है, जबकि अपराधी खुलेआम घूमते रहते हैं। अपराधियों पर कोई शिकंजा नहीं कसा जाता, जानते हैं क्यों? क्योंकि अपराधी इनके बेटे ही होते हैं। ये साफ तौर पर कहते हैं कि हम गुंडे हैं और तुम नहीं जानते हो, तुमको उठवा लेंगे हम, तो हमारे बेटे जो है ना, तुम्हारा बेटा जो है वो सोचिए पुलिस वाले का, वो किसी को भी उठा सकता है। भैया हमको भी उठा सकता है, खबर हम चला तो रहे हैं लेकिन डर रहे हैं, बहुत डरे हुए बिल्कुल। आप भी डरिएगा, चुपके से बता रहे हैं आपको। मुद्दे की बात यह है कि ऐसी खबर आप सुनेंगे तो सोचेंगे कि भाई आखिर ये पुलिस वाले कहां रहते हैं, तो यार थाने में एकाठ तो रहते ही हैं, लेकिन कभी कभार ये वायरल होते हैं। वो अब चलेंगे आगे, आपको फिर बताएंगे। अगर पीड़ित ने पहले ही पुलिसकर्मियों की करतूत का वीडियो ना बनाया होता तो ये मामला थाने के अंदर ही दबा रह जाता। इतना ही नहीं, ये जो पीड़ित है वो कभी किसी को बता ही नहीं पाता कि हमारे साथ ऐसा हुआ भी है, हमें इतना मारा गया, पीटा गया, गाली गलौच हमारे साथ किया गया, लेकिन पता नहीं कैसे बच गया, वरना मोबाइल तो पुलिस वाले पहले रखवा लेते हैं। कितने फरियादी हर रोज समान थाने में मारपीट का शिकार होते हैं ये भी जानने लायक होगा। पीड़ित की चतुराई के कारण प्रधान आरक्षक हेमंत शुक्ला की गुंडागर्दी उजागर हो गई। जी सर, हमारा नाम प्रियांश कुशवाहा है, हम कुठुलिया जिला रीवा से आए हैं, हुजूर तहसील है। थाना समान से हमको 20 तारीख को फ़ोन आया था 8 बजे कि थाना आ जाओ, आपकी खात्मा रिपोर्ट लग गई है, उसमें दस्तखत बनाना है। जब हम थाना पहुंचे तो हमको हेमंत शुक्ला आए और हमको मारना शुरू कर दिया, हमसे भी बातचीत कुछ भी नहीं करा, सीधे हमको मारना शुरू कर दिया लात घूसे। और वो कहते हैं कि एसपी साहब बोले हैं, मतलब गाली दे करके, बुरी से बुरी गालियां दे करके कहते हैं कि गड्ढा खोद के गाड़ दो साले को। तो मेरा, मैं एसपी कार्यालय में आया हुआ हूं अभी वर्तमान में, और मेरा एसपी साहब से अनुरोध है कि वह यह बात स्पष्ट करें कि वो गड्ढा खोद कर गाड़ने वाली आतंकी शब्दों का खुद उपयोग किया है, खुद आदेश दिया है, अन्यथा उनके कर्मचारी उनको बदनाम कर रहे हैं। और खुद मामला लेके गए थे समान थाने, और मामला ऐसा मामला हमारा है, तो दिसंबर 2023 में हमारी बाइक चोरी हो गई थी, जिसके संबंध में हमारी नई बाइक थी, हमारा बीमा भी है और उसका हमें किस्त भी अभी हम जमा कर रहे हैं, कोई हमें राहत नहीं मिल रही है, ब्याज भी हमारा लग रहा है। तो हम उसमें TI साहब से 3 बार मिल चुके कि महोदय हमारा खात्मा रिपोर्ट लगवा दिया जाए ताकि हमारी किस्त जाना बंद हो जाए, बीमा का हमें लाभ मिल जाए। तो TI साहब ने हर बार हमें कहा कि करवा देंगे। जून से यह प्रक्रिया चल रही है, जून से लेकर के अभी अक्टूबर आ गया और हमें 3 बार दिलासा दिया जा चुका है कि तुम्हारा खात्मा रिपोर्ट लग जाएगा, लेकिन जैसे इन्होंने हमें डेट दिया था कि 19-20 तारीख तक तुम्हारा हो जाएगा, हमने इनको फ़ोन लगाया, फ़ोन ये हमारा नहीं उठाते हैं, और फ़ोन एक बार उठाया और काफ़ी बुरी गालियाँ दी हमको फ़ोन में। तो जिसके उपरांत हमने भी क्रोधित होकर के महोदय इनको बोला, जी भैया हम आ जाएंगे थाना बुला रहे थे कि आ जाओ, तो थाना झूठ बोल करके बुलाया गया कि तुम्हारी खात्मा रिपोर्ट लग गई है, और हमें वहाँ मारा गया और 12 बजे रात तक हमें बैठाया गया था थाना के अंदर। जब हमने पूछा कि हमारा क्या अपराध है, हमें क्यों बुलाया गया है, क्या हमारे संबंध में जिसे हमें बैठाया गया है तो उसका रीज़न आप दे दीजिए, जिसका वो कुछ रीज़न नहीं दे रहे हैं, और हमारे पास इस सभी बातों का पूरा प्रूफ है, पूरा A to Z वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग। और हमसे जब हमारी FIR हुई थी 21 दिसंबर 2023 में हमारी गाड़ी चोरी हुई थी, इन्होंने 10 दिन लेट किया था FIR करने में, और FIR करते समय 6000 रुपए की मांग की थी, और बोले थे कि अगर तुम इतना कर देते हो तो मैं तुम्हारा 6 महीने में खात्मा लगवा दूंगा, बीमा मिल जाएगा, अगर हेमंत शुक्ला पैसा मांग रहे थे, और इनका कहना यह था कि अगर कर देते हो इतना तो तुम्हारा 6 महीने में खात्मा लग जाएगा, अन्यथा तुम्हारा कभी खात्मा नहीं लगेगा, तुम देख लो। और वास्तविकता ये है कि आज तक भी हमारा खात्मा नहीं लगा है। जी सर, हम
और हमको अभी 20 तारीख की घटना है जिसमें हमें काफ़ी मारा गया है, जिसका प्रूफ हमारे पास है, वीडियो आप देख सकते हैं। मारपीट हेमंत शुक्ला ने की है और अन्य पुलिसकर्मी घटना के समय तीन और उपस्थित थे जिन्होंने कोई बीच बचाव नहीं किया और हमसे कोई भी प्रकार का सवाल नहीं पूछा गया, सीधे मारना शुरू कर दिया गया। कहाँ कहाँ आपने शिकायत करी है? शिकायत हमने करी है CSP मैम के साथ पास में करा है, तो उधर से अभी कोई हमें फ़ोन नहीं आया है, किसी भी प्रकार की कार्यवाही की सूचना हमें नहीं मिली है। और उप पुलिस अधीक्षक के पास मैम पाठक मैम के पास भी हमने शिकायत करा है कल, तो उन्होंने भी कहा है कि कार्रवाई होगी, अभी एक बार SP सर से मिलना पड़ेगा। ऐसे पुलिस वालों के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे, यहाँ से नहीं मिल पाती आपको न्याय? तो हम चाहते हैं कि जिन्होंने हमें मारा है उनको निलंबित किया जाए और घटना के समय उपस्थित सभी कर्मचारियों को निलंबित किया जाए। अगर ये बात सत्य है कि SP साहब ने गड्ढा खोदकर गाड़ देने की बात कही है, तो SP साहब ऐसा क्यों कहे हैं, उसका रीज़न दें हमें, क्या किस सबूत पे हमें गड्ढा खोदकर गड़वा देने की बात कह रहे हैं? कुछ वीडियो वगैरह भी आपके पास? हमारे पास पूरा वीडियो है, पूरा रिकॉर्ड है, जो बात हम बोल रहे हैं पूरे आधार के साथ में बोल रहे हैं, एक भी बात हमारी गलत होती है तो हम खुद ही अपने जिम्मेदारी से ये बोल रहे हैं होशो आवास में कि हमारे ऊपर कार्रवाई कर दी जाए। गई, अरे इतने बड़े गुंडा हैं कि अब सोचिएगा इनके कितने कितने, फलाना सिंह ढकाना सिंह, इतने गुंडों से इनका पाला पड़ता है और पता नहीं कितने पाल के रखे हैं, 100 गुंडा तो इनके पास वैसे ही रहते हैं। ऐसे पुलिस कर्मियों को आप क्या समझते हैं? हम नहीं कह रहे हैं, इन्होंने ही हमको बताया है, और हमको ही नहीं, हम चुपके से बता देते हैं, सबको बता दिया है, इसलिए आपको बताते चले। आइए जानते हैं कि इनका कहना क्या है। पहले इनकी गलती थी क्या? बोला इन्होंने क्या बोला सर? देख रहे हैं कि जांच में इतना डारी चल रही माता की, संदेहियों की पूछताछ चालू थी, तुम माता चोदेगा करना पड़ा गुंडा मार, हम गाड़ दो उनके खोद के गड्ढा, समझ में लगा? अभी हमारे लड़के को देखा, पकड़ के चीर के फाड़ के फेंक देगा वहीं पर, बढ़ जाए हम काले, तुमको यही माता, हम सामने थे नहीं मोबाइल में, सामने गाड़ी। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं, आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक, आपको या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीरी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए, तो सीरी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94249588। तेरी फरियादी इस तरह बोले, मुकदमा काम करी माता दाई सुनाने स्वीकार नहीं माता पहले मुकदमा काम करिए, तारीख मिलाए हैं सब बता दिए पूरी बात। SP साहब तक बात कही है? SP साहब बताए खुद गई है SP साहब तक, बात गाली देना चाहिए तुमको। अरे तो सर बात तो सुनेंगे, कोई काम करने बार 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 फोन लगा रहा, बेटी बहन थोड़ी क्या आओ सर जरा तुम क्या हो तेरे पास बताओ, मेरे जैसे 15-20 घूम देंगे उठ जाएगा बहुत सारी है, पता ना चलेगा कहाँ गए। उम्र तो देखो सर, हम उम्र के लिहाज करते हैं, टाइम लगे भाई जब तक पूरी नहीं हो जाए, खात्मा लगता है,
कलेक्टर ने लिखा है वो सर। तुम्हारी लूना गई एफ आई आर हुई सब चीज जांच भी देख के चलो चल रही खात्मा के लिए वो लगा है प्रयास में तुरंत हो जाए। डारी पड़ी है माधव चौधरी डारी पड़ी है तुम बताओ तुम ही कुछ बताओगे खड़े रहो बताओ हम कुछ नहीं बताएंगे। हमारे आदमी छाए हैं पूरे कुछ बातेंगे माता कौन है पंपू सिंह बात है ये माता चोर वहीं के सिरपुरा नाम में तो बात है इससे बात कराना उसी तरह मत बात बात क्यों उस बात कराना सिरपुरा आला में बहुत मार देंगे पीट देंगे काट देंगे तेरे सिरपुरा बात तो करा किसी से भी कोई बड़ा बड़ा गुंडा तो नेता है माता बात करा बड़ा गुंडा नेता बनता है करो ऐसा हमारी गाड़ी चोरी हो गई थी उसकी गाड़ी चोरी नहीं चला हम लोग लाके देते यार क्या जेवन डाले माता गाड़ी बात वो खात्मा के लिए नहीं करते हैं वहाँ तो क्या करें हम लोग पेश करते हैं जो भी कोई हो हमारे हाथ में खा एसपी से नहीं मैं एसपी के पास खड़ा नहीं होता हूँ तेरी ऐसी कैसी बोले खोद के गड्ढा कर दो गुंडा बन गया माता गाड़ी भाई गाली तो गलत है ना क्यों दिया तुमने एक लोक सेवा के अभी दो मिनट में तुम्हारा निपटारा हो जाएगा उसका छोड़ो तुम उसका छोड़ो लोक सेवा के मजाक ना हो मूरी बाजी ना हो वहाँ घर के नौकर ना शासन के नौकर आए सीएसपी के पास जाती है फिर मजिस्ट्रेट जज जो है वो अनुमति देता है तब खात्मा काट नहीं करते काट से खात्मा नहीं हो जाएगा ना बुकरी कुमार कैसी डरते चाहे कोई उठवा लेंगे मां घर से तेरे को समझे ना पता ना चलेगा कहाँ चला गया तो कोई भी तेरा सपोर्ट नहीं करेगा मैं चैलेंज देता क्या नाम लिखते हो पूरा नाम बताओ। तो आपने सुन ही लिया इनके पास सैकड़ों गुंडा हैं या पता नहीं आप क्या क्या कर सकते हैं इस बात का अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। पहले तो अपने बेटे से उठवा लेंगे इनका सबसे बड़ा बेटा जो है बहुत बड़ा गुंडा है डॉन है उस रीवा जिले का क्योंकि अब ऐसे डॉन को छूट इसलिए मिला है क्योंकि पुलिस वाले का बेटा है इसलिए बहुत बड़ा डॉन है अगर पा गया तो फाड़ के एक टांग उधर एक टांग इधर कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं बचे रहिएगा जो पत्रकार खबर चलाए हैं पता नहीं उनके ऊपर क्या होगा उनके हाथ पैर उखाड़ उखाड़ के या गोली मार दी जाएगी इसलिए मैं भी हूं तो मैं सीधी से हूं बचे रहना है इसमें। जिसके बाद जो है आपको बता दें कि जब ये उजागर हो जाता है तो जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने उसे निलंबित कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब पीड़ित के साथ मारपीट हो रही थी तब थाने के आला अधिकारी कहां थे अगर वे थाने में थे तो उन्होंने इस घटना को क्यों नहीं रोका क्या इस लापरवाही पुलिसकर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी या फिर मामला दबा दिया जाएगा। अगर यही गलती कोई आम व्यक्ति करता तो पुलिस बिना जांच के ही फर्जी मुकदमा दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे ढकेल देती। अगर रीवा में किसी ने नेताओं का या भ्रष्टाचारियों का विरोध किया है तो सोचिए या किसी पत्रकार के उसके कारनामों को उजागर करना पड़ा या तो उसके खिलाफ मुकदमा ही दर्ज हो गया यानी कि जिसने भी खुलासा किया है उसके ऊपर जो है मामला पंजीबद्ध हो ही जाता है। 2022 में आपको बताएंगे हम कि मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है लेकिन 2022 में सिविल लाइन पुलिस ने तत्कालीन एसपी के कहने पर रीवा के पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किए थे। पुलिस अपराधियों को रोकने में नाकाम रहती है और निर्दोषों को फंसा देती है। यहां पर दरअसल मामला यह था कि यह जो व्यक्ति है इसकी बाइक चोरी हो गई और बाइक जब चोरी हो जाती है तब यहां पर रिपोर्ट भी लिखाने जाता है तो 10 दिन से ज्यादा इसकी रिपोर्ट लिखाने का मामला आता है कि 10 दिन से ज्यादा हो जाता है। उसके बावजूद भी मुद्दे की बात तो यहां यह है कि यह रिपोर्ट तो लिखाना चाहता है लेकिन उसके लिए भी पैसे 6000 रुपए की डिमांड की जाती है। कौन करता है यही महोदय करते हैं। इतना ही जब पैसे मांगते हैं तो इनका विवाद हो जाता है उस व्यक्ति से गाली गलौज भी हो जाती है सामने वाला व्यक्ति भी पुलिस अधिकारी को गाली देता है। हम आपको यह नहीं कहेंगे कि उसने कुछ नहीं किया है उसने भी गाली दिया है वकायदा दिया है अवार्ड तो उसने भी दिया था लेकिन थोड़ा कम हो गया था इन्होंने ज्यादा अवार्ड दे दिया। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने प्रधान आरक्षक हेमंत शुक्ला को निलंबित कर दिया लेकिन अब पता नहीं कि एसपी साहब बचे रहेंगे या फिर उनको भी गुंडों से उठवा लिया जाएगा। अब ये मुद्दे की बात है क्योंकि इतने बड़े डॉन
जो कि आपके विभाग में एसपी साहब थे। अब सोचिए कि इस डॉन को आपने निलंबित कर दिया है, जिसके पास सैकड़ों गुंडे हैं, सैकड़ों डॉन हैं, इसके पास लाइन लगी हुई है, कतार लगी है, फलाना सिंह, पुष्पराज सिंह, ढेकाला सिंह, पता नहीं कितने सारे डॉन हैं। अब अंदाजा इस बात का है कि एसपी साहब बचे रहेंगे रीवा में, या फिर उनका गोलीकांड हो जाए या फिर अपहरण हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। हम तो भैया डर रहे हैं, बहुत डरे हुए हैं, बिल्कुल शांत होना पड़ेगा। चलिए दो लाइन और बोल लेते हैं। अब आपको बताते चले कि निलंबित करने के बाद पूरे मामले की जांच की जा रही है। पीड़ित ने बताया कि उसकी बाइक जो है दिसंबर 2023 में चोरी हो गई थी, जिसकी खात्मा रिपोर्ट लगाने के लिए वह कई बार टीआई से मिल चुका था, लेकिन उसे हर बार टाल दिया गया। अब मुद्दे की बात यह है, टाल इसलिए दिया गया कि वहां पर 6000 रुपए की डिमांड थी और यह 6000 रुपए दे नहीं रहा था। लेकिन इतना ही नहीं, मां बहन की गालियां देते हुए उन्होंने इतना नवाजा उसे कि पूरे थाने में तो लगता ही है कि यह लगभग यह अवार्ड जो है कई लोगों के द्वारा दिया जाता है, इसलिए किसी ने कुछ बोला ही नहीं। एक वीडियो आया है संज्ञान में और शिकायतकर्ता भी आया था, तो उसमें जो वीडियो पूरा देखा गया तो उसके आधार पे हमने जिस पुलिसकर्मी ने उसमें मारपीट किया उसको सस्पेंड किया जा रहा है, और उसमें ये भी देखा जाएगा कि क्या गलती थी और क्यों इस तरह से कृत्य किए गए, उसकी जांच भी पूरी की जाएगी और ऐसा जो उसमें दंड होगा वो दिया जाएगा। इस मामले में जो अभी तक समझ में आया वो किसी चोरी के, कोई वाहन चोरी का है, उस मामले का फरियादी है और उस मामले की वेचना को लेकर कुछ विवाद हुआ है, जिसकी वजह से पूरा घटनाक्रम हुआ था, और इसको देखा जाएगा और जो भी जांच में तथ्य पाए उस हाथ पर कार्रवाई की जाएगी। एक भी थाना के जो वहां पर बंदे होते हैं पुलिस वाले आला अधिकारी जो भी थे, किसी ने उसको कुछ नहीं बोला। वो जब नवाज रहा था तो लगभग सब सहयोग ही कर रहे थे कि तूने ऐसा क्यों किया, समझाइश दी जा सकती थी, गाली गलौज का मामला होता है, प्रकरण बंदीबद्ध कर सकते थे आप उसके ऊपर बिना मुकदमा दर्ज कर रहे धमकी, आप अगर उसके आपके साथ अभद्रता किया था तो आपको उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करना था, ना ही मारपीट करनी थी, और अगर आप भी गाली गलौज कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन हम ऐसा कह देंगे तो भैया डॉन बहुत बड़ा है यार रीवा में, यार ये पता नहीं कैसे भर्ती हो गया था पुलिस विभाग में, हमको भी उठवा देगा। तो चुपके से बता रहे हैं, आप भी बचे रहिएगा, और ऐसे पुलिस वालों से जिनके पास सैकड़ों फलाना ढिकाना पता नहीं क्या क्या, और इनके जो बेटे होते हैं वो पता नहीं कितने बड़े गुंडे होते हैं, बंद करो कैमरा, पता चले हमको भी उठा ले जाए सब। अरे अरे कहां जा रहे हैं, आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक, आपको या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीरी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए, तो सीरी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।